Hello and welcome to Technically Explained. In the series of Prepare GATE General in 21 days, this is lecture number 2. And in this lecture number 2, we are going to again study two topics, questions related to Zakat and Mid, Median and Mod. So let us start. अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको मैं 25 डिवाइड बाय 1000 भी लिख सकता हूं। अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास 1/40 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ज़कात फाइंड करनी हो किसी भी अमाउंट पे, तो उस गिवन अमाउंट पे आप सिर्फ 40 डिवाइड कर दें। जो भी आपको अमाउंट गिवन है आप डिवाइडेड बाय 40 करें तो आपके पास उसका ज़कात आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको ज़कात अमाउंट गिवन हो और आपसे कहा जाए कि जी टोटल अमाउंट फाइंड करें, तो आप फिर उस अमाउंट को 40 से मल्टीप्लाई करें। कैसे? कुछ एमसीक्यूज करते हैं। फाइंड ज़कात ऑन 2 लाख रुपीज़। अब 2 लाख रुपीज़ में हमें पता है कि जी 5 ज़ीरोज़ होते हैं, तो ये आपके पास 5 ज़ीरोज़ हो गए। हमने ज़कात फाइंड करना है, तो ज़कात फाइंड करने के लिए हम डिवाइड बाई 40 करेंगे, तो इसको हम डिवाइड बाई 40 कर लेंगे। ये 0 इसके साथ कट जाएगा और 4 5s हमारे पास 20 आता है, तो ये आपके पास 5 और 3 0 रह गए, तो ये आपके पास आ गया है जी 5000। तो 2 लाख रुपीज़ पे कितना ज़कात है? वो आपके पास है 5000। और ये कैसे फाइंड हो गया कि आपने डिवाइड बाय 40 कर दिया। इसी तरह फाइंड ज़कात ऑन 96000। तो अगेन 96000 को आप 40 पे डिवाइड करें, ये 0 इसके साथ कट जाएगा और 4 का टेबल जब आप पढ़ेंगे तो आपके पास ये 4 24000 आपके पास 96 आ जाएगा। तो 24 के साथ दो ज़ीरोज़ रहते हैं, तो इसलिए इधर आपके पास आंसर आ जाएगा 2400। यानी कि 96000 पे जो ज़कात है वो आपके पास 2400 रुपीज़ है। और ये हमने कैसे फाइंड कर दिया? डिवाइड बाय 40 करके। नेक्स्ट सवाल, असलम पेड 40000 एज ज़कात अमाउंट, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑन विच ज़कात वाज गिवन। अब आपको ज़कात की रकम दी गई है और आपसे टोटल अमाउंट का पूछा गया है, तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए जब आपको ज़कात की अमाउंट गिवन हो तो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू ज़कात अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 40। तो अब आपके पास जो ज़कात अमाउंट है वो आपके पास है जी 4000। तो 4000 को आपने 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास, क्योंकि 4 4s 16 आता है और आपके पास फिर 4 ज़ीरोज़ है, तो ये आपके पास आ गया जी 1,60,000 रुपीज़। तो असलम के पास जो टोटल रुपीज़ थे वो 1,60,000 थे, जिस पे उसने 4,000 का ज़कात दे दिया। तो अगर आपको ज़कात गिवन हो और टोटल रुपीज़ फाइंड करने हो, आपने सिर्फ 40 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा सवाल, अली पेड 1,250 एज ज़कात अमाउंट, व्हाट वाज़ द टोटल अमाउंट ऑन विच ज़कात वाज पेड। अगेन टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 40 करते हैं। तो ये 1,250 को मैंने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा जी 50,000 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट जो अली के पास था वो 50,000 रुपीज़ था, जिस पे उसने 1,250 का ज़कात दे दिया। तो मीन जो होता है वो एक्चुअली एवरेज होता है, और एवरेज निकालने के लिए जितने भी नंबर्स हैं हम उनका सम ले लेते हैं और डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास एवरेज या मीन आ जाता है। मोड वो नंबर है जो कि सबसे ज़्यादा किसी सीक्वेंस में रिपीट होता है, तो मोड इज़ द मोस्ट रिपीटेड नंबर। मीडियन के लिए हम किसी भी ऑर्डर को, किसी भी सीक्वेंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद जो उसका सेंटर या मिडल जो एलिमेंट होता है वो हमारे पास मीडियन होता है। रेंज निकालने के लिए हम जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस ले लेते हैं, तो रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए ये हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है कि फाइंड मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर हमें गिवन है, अगेन मीडियन निकालने के लिए हमने सारे नंबर्स को ऐड करना है, तो ये मैंने सारे नंबर्स को ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। अब इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, सम ले लिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो वो हमारे पास 4 आ गया। तो इसका हमारे पास जो मीन है वो हमारे पास 4 आ गया। और देखें इसमें मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट कौन सा है, इसमें जो मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट है वो 2 है, तो मोड हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट होता है या मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, तो मोड इस सीक्वेंस का हमारे पास 2 है। उसके बाद हम मीडियन निकालेंगे, तो पहले मीडियन निकालने के लिए हम उस सीक्वेंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इस सीक्वेंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है,
अब हम इसका मिडल एलिमेंट देखते हैं, तो इसमें जो सात एलिमेंट्स हैं ऑड नंबर्स हैं, तो इसका मिडल एलिमेंट फोर्थ पे है ये, तो ये जो इसका जो मीडियन है वो हमारे पास इधर थ्री है, क्योंकि वो मिडल में उसकी जो लोकेशन है वो मिडल में है। रेंज क्या है? रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू, या द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट इज 11, स्मॉलेस्ट इज 2 इस सीक्वेंस में, तो 11 माइनस 2 हमारे पास 9 रेंज आ गया। चलें देखते हैं कि आपको इस मीन मीडियन मॉड एंड रेंज की कितनी समझ आई है। तो ये क्वेश्चन है, काइंडली कमेंट्स में इसका मीन मीडियन मॉड एंड रेंज बता दीजिएगा, शुक्रिया।